देखो ये मम्मा ये बाबा भी कितनी मेहनत करते रहते हैं, भी क्यों लगा दिया? मम्मा भी मेहनत करती है, बाबा भी मेहनत करते हैं, भी क्यों लगाया है? किस बात की मेहनत करते हैं? कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो भी अभी कर्मातीत अवस्था नहीं पहुंची है। कैसी अवस्था? कर्मातीत माने कर्म करते रहे फिर भी कर्म के फल से अतीत हो जाए। कर्म का फल हमको प्रभावित न कर सके, बड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि जितना कोशिश करते हैं याद करने की उतना ही जल्दी भूल जाते हैं। तो याद की बड़ी मेहनत है। मनुष्य जो योग समझते हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि बैठने से योग लगता है, बैठ गए और योग लग जाएगा, वो तो आंखें बंद कर लेते हैं। योग लगता है? अरे उन्होंने तो खुद ही लिख दिया है, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माए और मनुआ चाहुंदे से डोले। मन जो है वो चारों तरफ चक्कर काटता है, एक के साथ बैठता है क्या? चक्कर काटता ही रहता है। तो वो एक के साथ योग कहां हुआ? तो कोई बैठने से योग नहीं लग जाता है? बैठते खाते चलते कोई से भी बात भी करो, उनको भी ऐसे कहो कि बाबा को याद करो, बेहद के बाबा को याद करो, क्योंकि बेहद का बाबा वो एक ही है जो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है। बरोबर, बेहद का बाबा भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। किसको देते हैं? है? भारत को क्यों देते हैं? है? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माना लगे रहना। जो निरंतर ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है उस भारत को ही वर्षा देते हैं। बाबा जो आते हैं, जिनके यहां बड़े मंदिर भी हैं, सोमनाथ का मंदिर है, शिव का मंदिर है, बाबा तो है ही नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करने वाला, किसकी स्थापना करने वाला? नई दुनिया की स्थापना करने वाला। इस बात से सोमनाथ का कनेक्शन क्यों कर दिया है? नई दुनिया की स्थापना होती है तो सोमनाथ क्यों कहा? सोम माना क्या? चंद्रमा।
और वो चंद्रमा स्थिर है या अस्थिर है? जब तक अस्थिर है चक्कर काटता है तो कहेंगे उसकी स्थापना हुई है, कंट्रोल में आया। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है, जैसे कोई बच्चा भागता रहे, माँ उसको पकड़ती रहे गोद में बैठाने के लिए, और बच्चा कंट्रोल में ना आए। माँ के चक्कर काटता है लेकिन नजदीक नहीं आता है। तो ये चंद्रमा भी अभी क्या है? पृथ्वी माता का बच्चा है, कंट्रोल से बाहर है, अस्थिर है, चक्कर तो काटता है लेकिन माँ की गोद में नहीं आता। फिर सतयुग में क्या होगा? ये चंद्रमा पृथ्वी माता की गोद, जो प्रशांत महासागर है उसमें ऐड हो जाएगा। तो स्थापना हुई ना है? नहीं हुई स्थापना? स्थापना हुई। सोम माना चंद्रमा, जिसे बैल भी कहा है, ये मन रूपी बैल अड़ियल बैल है या इसको नाथ लिया गया है? अड़ियल है। इस बैल को सोमनाथ नाथ लेते हैं, है? नाथ लेते हैं तो बैल शंकर के ऊपर सवार होता है या शंकर बैल पर सवार होता है? शंकर बैल के ऊपर सवार होता है। तो बताया कि सोमनाथ का मंदिर यादगार है, वो बाबा तो है ही नहीं दुनिया स्वर्ग की स्थापना करने वाला, ये तो समझना चाहिए ना कि बाबा ने जरूर भारत को कभी स्वर्ग बनाया है। इस समय में नरक है, क्या कहा है? इस समय में भारत क्या है? नरक है। नरक माने नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। भारत है नर तो है लेकिन भारत नरक है। जैसे नाली होती है ना, तो नाली में ढेर के ढेर कीड़े बिलबिलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, काटता है दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर, एक दूसरे को काटते ही रहते हैं। ऐसे ये दुनिया नरक बन गई है। ये कलयुग का अंत है,
जरूर बाबा आकर के फिर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। आते हैं जबकि वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होनी है, हिस्ट्री रिपीट होनी है तो बाप को भी फिर आना है। बाप जब आते हैं तो निशानी यही है, क्या बाप जब आते हैं तो क्या निशानी है? है निशानी यही है कि बरोबर विनाश होता है। महाभारी महाभारत लड़ाई होती है क्योंकि आते ही है नई दुनिया स्थापन करने या नई दुनिया की रचना रचने। ये समझना है तो बहुत सहज। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही समझना सहज हो गया है कि बाबा हमारे लिए बैकुंठ का खजाना ले आया है। अट्ठाईस आठ चौसठ की वाणी का तीसरा पेज, बैकुंठ का खजाना लेकर आया है बाबा, तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से खुश रहना चाहिए। ओम शांति।